जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अक्षरों का खेल। अक्षर, सारे अक्षर आपको आते हैं, क ख ग घ आ ई, यानी वर्णमाला के सारे अक्षर। उनसे हम कैसे नए नए तरह से शब्द बना सकते हैं, वो हम अक्षरों का खेल इस कविता में पढ़ने वाले हैं। तो आपकी किताब में ये इतने सारे अक्षर दिए हैं और इससे आपको कैसा खेल खेलने को बोल रहे हैं, मैं कविता पढ़ती हूँ, सुनो। हाथ में मेरे डिब्बा एक, जिसमें भरे अक्षर अनेक। अ आ ई की लगी कतार, सभी अक्षरों की भरमार। कतार याने लाइन। आपने अ आ ई ई सब पढ़ा हुआ है, अ आ ई ई, ये सब लाइन से है। और एक डब्बे में सारे अक्षर भरे हुए हैं, सभी अक्षरों की भरमार। आ उछल कर बाहर आया, म ने अपना हाथ बढ़ाया। आ व म ने आम बनाया, सबने बड़े मजे से खाया। कैसे, यहाँ क्या दिया है कि अ आ ई की एक कतार है, एक लाइन है, और सारे अक्षर एक डब्बे में भरे हुए हैं। अब डब्बे में से उछल कर कौन बाहर आया, आ आ आ उछल कर डब्बे से बाहर आ गया। और म ने अपना हाथ बढ़ाया, म, तो क्या बन गया, आ व म ने आम बनाया, सबने बड़े मजे से खाया। तो इस तरह से ये आ और म दोनों मिलके क्या हो गया, आम। और आगे क्या दिया है, ऊ भी झ के पैर में लटका, ल और आ को भी लापटका। बन गया झूला खेला खेल, मिलकर फिर बनाई रेल। आओ हम भी खेलें खेल, अक्षरों का कराएं मेल। मिलाकर अक्षर शब्द बनाएं, अपने मन की बात बताएं। यहाँ क्या दिया है, ऊ भी झ से के पैर में लटका, ऊ यानी बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ, इसकी मात्रा कैसी होती है, ऐसी। तो वो कहाँ लग गया, वो झ, ये झ झरना वाला झ। तो क्या लिखा है, ऊ भी झ के पैर में लटका, ये ऐसे, ऊ भी झ के पैर में लटका। ल और आ को भी लापटका, यानी पहले आपको ल लिखना है, फिर उसमें आ की मात्रा लगाना है। तो क्या हो गया, झूला पहले ल को लाया, फिर आ को भी लापटका, तो क्या बन गया, झूला। मिलकर फिर बनाई रेल, आओ हम भी खेलें खेल। तो इस तरह से सारे अक्षर एक दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं और नए नए शब्द बनाते जाते हैं। तो इस तरह से हम ये अक्षरों का खेल खेल सकते हैं। मिलाकर अक्षर शब्द बनाएं, अपने मन की बात बताएं। अपने आपके मन में कौन सा शब्द है वो आप लिखकर ऐसे बना सकते हैं। फिर से एक बार मैं ये कविता पढ़ती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाथ में मेरे डिब्बा एक, जिसमें भरे अक्षर अनेक। अ आ ई की लगी कतार, सभी अक्षरों की भरमार। आ उछल कर बाहर आया, म ने अपना हाथ बढ़ाया। आ और म ने आम बनाया, सबने बड़े मजे से खाया। ऊ भी झ के पैर में लटका, ऊ भी झ के पैर में लटका। ल और आ को भी लापटका, बन गया झूला खेले खेला खेल, मिलकर फिर बनाई रेल। आओ हम भी खेले खेल, अक्षरों का कराएं मेल। मेल यानि जोड़ना, दो अक्षर जब जुड़ते हैं उसको मेल कहते हैं, दो अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। मिलाकर अक्षर शब्द बनाएं, अपने मन की बात बताएं। ठीक, आगे क्या दिया है, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना है।
मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है और घर पे ही मम्मी के साथ बैठकर ये सॉल्व करना है, लेकिन इसको भेजना नहीं है, मिस को चेक करने के लिए मिस को नहीं भेजना है, ठीक है। ये वर्कशीट नहीं है, लेकिन इस लेसन के साथ ही ये आपको सॉल्व करना है। कविता पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, इस पेज पर क्या दिया है, नीचे दिए गए अक्षरों और मात्राओं से शब्द बनाइए और नीचे दी गई जगह में कुछ नए नए आपको शब्द लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, यहां जितने जैसे मात्रा कौन कौन सी दी है, आ ओ ई ओ और ए, तो इस तरह से यहां पांच मात्राएं दी हैं और जितने भी अक्षर दिए हैं उतने ही अक्षर, उसमें से कोई अक्षर लेना है, यहां से मात्राएं लेना है और शब्द बना के लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, मैं अब ये क प स न ड, चलिए हम क्या करते हैं, क क पे आ की मात्रा अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा, का, क पे ये पहला मैंने आ की मात्रा लगाया का और म लिखा तो क्या हो गया, काम। और फिर उसके बाद और अगर मैं क पर ओ की मात्रा लगाऊं, क क पे ओ की मात्रा को और यहां से लिया य और यहां से लिया ल तो क्या हो गया, कोयल। और फिर ई की मात्रा लगाना है तो क्या करेंगे, चलिए मैंने यहां म लिखा, हाँ म पर मैंने छोटी ई की मात्रा लगाई, क्या हो गया, मी, क्या हो गया, मी। और फिर मैंने यहां लिख दिया ला, क्या हो गया, मिला, ठीक, ओके। अब यहां मैंने ह लिखा, हा, हप्या की मात्रा और र, हार। ऐसे ही इसमें आपको शब्द लिखते जाना है, जैसे ओ की मात्रा, जैसे ए, ए की मात्रा, भ, भ पे ए की मात्रा, भे और यहां कर दिया ड, भेड़, भेड़ हो गया। तो अक्षर यहीं से आपको लेना है और मात्रा भी यहीं से लेना है, इसके अलावा बाहर नहीं जाना है, ओके। जैसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे म, म पर औ की मात्रा दिया मैंने, मौ, क्योंकि यहां औ की मात्रा का एक शब्द हमको बनाना पड़ेगा, मौ, न, मौन, मौन मतलब चुप, मौन मतलब चुप, ठीक। उसी तरह से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे प, ह भी है इसमें, ह पर आपकी मात्रा दिया और ड, पहाड़, हो गया, ओके। इस तरह से और क्या हो सकता है, रे भी हो सकता है, र पर एक मात्रा रे,
मैंने आपको यहाँ जितने शब्द लिखने हैं आठ वो यहाँ लिख के बता दिया है। आप दूसरे भी ढूंढ ढूंढ के बना सकते हो, जरूर नहीं मैंने जो लिखा है वही लिखो, ठीक। और आगे आपको इसी तरह से अक्षर दिए गए हैं, उन्हीं अक्षरों से दो दो शब्द लिखना है। कैसे, मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे ये अ और ये ए है, यानी ए की मात्रा, तो आपको यहाँ ए की मात्रा वाले मेल रेल या मेला, मेला कहते रेल खेल, जबकि यहाँ दो ही शब्द लिखना है तो इस तरह से आप शब्द। और ये अ यानी बिना मात्रा के, जैसे बस नल, तो ये बिना मात्रा अ अ कैसा होता है, इस पर कोई मात्रा नहीं होती, बिना मात्रा वाले शब्द लिखने। तो इसी तरह से बड़ी की मात्रा के जैसे शब्द सीमा मीरा, कोई भी शब्द आप ऐसे लिखते जाओ। बड़ा उ की मात्रा के शब्द सोचो और लिखो। हाँ, अब जैसे यहाँ ठ दिया है, क्या दिया, ठ, तो ठ से ठठेरा, ठ से ठेला। आपको इस तरह से हर अक्षर के दो 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 शब्द बनाते जाना है, जी। आगे क्या दिया है नेक्स्ट पेज पर, वो भी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि आपको करना घर पे इसको आपको करना। अब ये इसमें दो मटके दिखाई दे रहे हैं, एक मटके में एक ही मात्रा के शब्द हैं और दूसरे मटके में ऐ की मात्रा के शब्द हैं, केला रेल एक उसमें थैला पैर भैया ऐनक तैरना। तो ये शब्द आपने पढ़े, एक की मात्रा ऐ की मात्रा। अब यहां नीचे क्या करना है, एक ही आवाज वाले शब्द आपको यहाँ दो शब्द लिखने हैं और ऐ की आवाज वाले दो शब्द यहाँ लिखना है। जो यहाँ नहीं दिया है वो आप लिख सकते हो, जैसे कोई भी नाम है म हे श, तो क्या हो गया, एक ही मात्रा वाला अक्षर हो गया, या र मे श हो गया। और यहाँ दो एक मात्रा के शब्द जैसे मैं ना हो गया रे ना, इस तरह से आपको कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आज आपने अक्षरों का खेल ये कविता और ये एक्सरसाइज मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया, आपको घर पे मम्मी के साथ बैठ के ये सॉल्व करना, भेजने की जरूरत नहीं। ओके बाय।